लव जिहाद के जंजाल में जकड़े बरेली में हिंदू युवती को राहुल बनकर प्रेम जाल में फंसाने और फिर दबाव में उसका धर्म परिवर्तन कराने का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। निकाह के बाद सोहर के अत्याचार का शिकार बनी मधु विश्वकर्मा ने कार्रवाई के लिए पुलिस में दस्तक दी है। सोमवार को पुलिस अफसरों से मिलने पहुंची पीड़िता ने बताया कि वह बरेली में एयरफोर्स स्टेशन के पास की रहने वाली है। खुद को राहुल बताने वाला इरफान शेख ने झूठ बोलकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। उसकी बातों में आकर वह उसके साथ घर छोड़कर चली गई। उसे किराए के मकान में रखा गया। पीड़िता के मुताबिक उसे जब राहुल का नाम इरफान होने की जानकारी हुई तो उसने विरोध किया, मगर उसे धमका कर जबरन इरफान ने उससे निकाह कर लिया और उसका दबाव में धर्म परिवर्तन करा दिया। निकाह के बाद उसे सिमरन बना दिया गया। इरफान उसे लगातार प्रताड़ित कर रहा है। वह दो बेटियों की मां बन चुकी है। इसके बाद भी उस पर जुल्म कम नहीं हो रहा। उसे जब चाहे मकान से बाहर निकाल दिया जाता है और घर आने पर फिर यातनाएं दी जाती हैं। बेरहमी से पीटा जाता है। जुल्म ज्यादती में इरफान के घर वाले भी उसका साथ देते हैं। सोहर इरफान उससे कहता है कि उसके धर्म में 4 शादियां करने की छूट है। उसके जैसी और भी कई युवतियां उसके संपर्क में हैं। हिंदू नेताओं के साथ पुलिस अधिकारियों से मिलने पहुंची पीड़िता मधु ने आरोपी सोहर और उसके घर वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग उठाई है। मैं इस मामले से आई हूँ। मैं अपने कसम, मैंने मनपसंद शादी करी है। अपने 6 साल मेरे अपने हस्बैंड के साथ रहते हैं, तो मेरे फोन के साथ में अब मैं अपने महके में आके रह रही हूँ। मुझे दो महीने लगभग हो गए। अब मुझसे कह रहे हैं मेरे घर पे भी तू आएगी तो कम से 1,00,000 रुपया एक अपाचे गाड़ी लेकर आएगी, तब तुझे रखूंगा। राहुल नाम बताया था उन्होंने मुझे। अब घटना ये हो रही है कि अब जैसे मेरी बेटी से, छोटी बेटी से मेरा मोबाइल चोरी गया। अब वो कह रहे हैं कि 32,000 रुपये इसके ला के दे। ये डिमांड करते रहूंगा, अपाचे गाड़ी की डिमांड करूंगा, 1,00,000 की डिमांड करूंगा, उसके बाद तुझे घर में रखूंगा, उससे पहले घर में नहीं रखूंगा। अब अगर ये बात है, कल मेरे सब सामान वामान मेरे महके पहुँचा दी है। मामला धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। एक बेटी है हिंदू समाज की जिनका नाम मधु है, इनका निकाह कराया गया, उसके बाद इनका नाम सिमरन रख दिया गया। अब जो मुस्लिम है जिसने शादी की थी उसने अपना नाम राहुल बताया था, इनको बहलाया फुसलाया, इनसे दोस्ती की। अब जो है वो इनको तंग कर रहा है। इनके 2 बच्चे भी हैं। इन्होंने करणी सेना से मदद मांगी, हमने शासन व प्रशासन से मांग की है ऐसे दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं लव जिहाद जैसी ना हो पाएं।